नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। जबलपुर में कुख्यात बदमाश द्वारा एक गवाह को पीटने और उसका पीटते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला सामने आया है। दरअसल जबलपुर के थाना गोरखपुर में कुख्यात बदमाश लकी अली ने 5 साल पहले एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसकी गवाही में घायल के दोस्त कैलाश कोरी का नाम था और कैलाश कोरी पर लकी अली अपनी गवाही बदलने लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन कैलाश अपनी गवाही बदलने को तैयार नहीं था, जिस बात से नाराज होकर लकी अली ने अपने अन्य दोस्तों के साथ पहले तो कैलाश का अपहरण किया, उसके बाद सुनसान इलाके में डंडे से कैलाश के साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने कैलाश की पिटाई का वीडियो भी अपने दोस्तों से बनवा कर उसे क्षेत्र में दहशत फैलाने के नज़रिए से उस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। बता दें कि आरोपी लकी अली के खिलाफ थाना गोरखपुर में हत्या लूट जैसे 18 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर पिटाई से घायल दर्जी का काम करने वाला पीड़ित युवक कैलाश को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो वहीं इस मामले को पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है, जो अब लकी अली के साथ उसके अन्य दोस्तों की तलाश में जुट गई है। मामला संज्ञान में आया है, जो फेसबुक के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ है। इसमें लकी अली, जो कि एक नामजद अपराधी है, आप लोग भी जानते हैं, इसके खिलाफ कम से कम गोरखपुर थाने में 18 मामले दर्ज हैं। और इसमें जिसको मार रहा है वो 301 कैलाश कोरी है। आज से 5-6 महीने पहले 307 की घटना हुई थी। उस मामले को दबाने के लिए कि आप जाके कोर्ट में गवाही ना दें, जो भी कोर्ट के साक्ष्य हैं तो उसके अगेंस्ट ना बोलें, इसको दबाने के लिए उसने कैलाश कोरी के साथ मारपीट की। और अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हो गया हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ, तो उसने फेसबुक के माध्यम से इस चीज़ का ट्वीट किया, उसको फेसबुक में किया। जो भी घटना है तो उसका हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया। 307 का मामला इसमें पंजीबद्ध है और SC ST का इसमें धारा लगी है, और जो फेसबुक में वायरल होगा उसकी धारा है उसमें काउंट करेंगे हम। तो क्या कहते हैं, बयान से पलटने के लिए पूरा दबाव बनाया जा रहा था और एक क्षेत्र में दहशत बनाने का भी प्रयास, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वायरल किया उसने खुद ने। हाँ, प्रयास ऐसा ही है, जो उसका फर्स्ट उद्देश्य है कि आप बयान से बदल जाएं, कैलाश कोरी के ऊपर दबाव डाल के कि आप बयान से बदले, और दूसरा उद्देश्य फेसबुक के माध्यम से अपनी दहशत को बढ़ाने का है। और उसके पुराने भी मामले हैं, 18 मामले खिलाफ इसके बाद के खिलाफ हैं। सन 2008 का पहला मामला है और अब तक कई 307 के मामले, 324, 327 धाराओं में इसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं। जिला बदल की कार्रवाई हम कर चुके हैं, इसके खिलाफ कर चुके हैं, NSC की हम कार्रवाई कर चुके हैं, लगातार कार्रवाई करते जा रहे हैं। इस वीडियो में उसके साथ कई